बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मायनीज़ और चिकन स्प्रेड की रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है सिरका आधा कप, 3 से 4 चम्मच, 2 से 3 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 1 अदद अंडा और 2 से 3 पीसेस जो हैं वो आपने चिकन के बॉयल कर लेने हैं। और आपके पास जाएगा इसके अंदर 1.5 कप ऑयल। मैंने यहाँ पे 1 कप आपको दिखाया, इसके अंदर 1.5 कप ऑयल जाएगा। ये एक मैं इसके अंदर अंडा डालूंगी पहले अपने ब्लेंडर के अंदर, और इसके साथ मैं इसके अंदर अपनी शुगर जो है वो 2 से 3 चम्मच, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, इसके अंदर शुगर चली जाएगी। उसके बाद इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक का है वो इसके अंदर जाएगा। नमक डालने के बाद आप इसके अंदर जो है अपना सिरका ऐड करेंगे। ये नमक चला गया, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिरका, 1/2 कप जो सिरका हमने लिया था वो सिरका मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखिए मैंने ब्लेंडर को ढक्कन लगा दिया और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे तरीके से। जब ये फुली ब्लेंड हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस वीडियो को कहीं से एडिट नहीं किया ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनको उनकी मायनीज़ जो है वो घर में अच्छी नहीं बनती या थिक फॉर्म में नहीं आती, उनकी बिल्कुल लिक्विड ही रहती है, तो इसके अंदर वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, मैंने कोई भी स्टेप इसमें से स्किप नहीं किया है। इसको आपने इस स्टेज पे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि अंडा, सिरका और जो नमक और चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो फुली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। जब ये सारी चीज़ें एक दफ़ा मैंने किया है इसको, आप भी देख लें, जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है हर चीज़, फिर आप इसके अंदर जो है अगला स्टेप आप करेंगे कि आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। इसकी ऑयल जो शामिल करने की ट्रिक है वही मेन ट्रिक है, उसी से आपकी मायनीज़ जो है वो अच्छी बनती है। इस स्टेप को गौर से देखिएगा। यहाँ से मैंने अपने ऊपर वाला छोटा लिड जो है उतार दिया ब्लेंडर का, अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करती जाऊँगी और इसको मैं ग्राइंड करती जाऊँगी। इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब है ऑयल जो है वो बिल्कुल उसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड करनी है। अगर आप इकट्ठा ऑयल डाल देंगे तो आपकी मायनीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर ऐड करते जाएं और इसको आपने ब्लेंडर को जो है वो चलाते जाना है। इसको देखो थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ, जूँ जूँ ऑयल इसके अंदर ऐड होगा मायनीज़ आपकी थिक होना शुरू हो जाएगी। 1 कप ऑयल से भी मायनीज़ थिक हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि थिकनेस उसकी कम है तो आप उसके अंदर मायनीज़ की जो है वो ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा दें, थोड़ा सा और ऑयल ऐड करें ताकि जो मायनीज़ है आपकी वो फुली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड करती जा रही हूँ और ये जो हमारे पास है बहुत अच्छी थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। आपने इसको ब्लेंडर को चलाते रखना, मतलब ये नहीं रुकना चाहिए, और ऑयल इसके अंदर हल्का हल्का आप जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप या हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जैसे मैं ब्लेंड कर करके डाल रही हूँ, आपने इसी तरह से ऑयल इसके अंदर डालते जाएंगे। जिस तरह से जितना जितना ऑयल डलता जाएगा मायनीज़ आपके सामने उसी तरह से थिक होती चली जाएगी। देखिए इतना सा ऑयल चला गया, और आपको इसकी मैं थिकनेस सिखा देती हूँ स्टेज पे, ये इतना जो है हमारे पास थिक हो चुका है। ये देखें और से ज़रा, ये इसके इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी मतलब अभी फुल हमारे पास थिक फॉर्म में नहीं आया अभी है, अभी और हम इसे इसके अंदर ऑयल जो है वो तकरीबन अभी 1/2 कप जो ऑयल है वो और इसके अंदर जाएगा और ये फिर हमारे पास फुली जो है वो थिक फॉर्म में हमारे पास मायनीज जो है वो आ जाएगी। अभी मैंने इसमें ये ऑयल और ऐड करना शुरू किया और अपने ग्राइंडर को मैंने फिर से चला दिया। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से जो आपका मायनीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह से हमारी मायनीज़ जो है इसके अंदर थिक होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें 1 कप डालने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आपके सामने मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतनी सी थिक हो चुकी है कि जैसे मतलब अब ब्लेंडर में घूम रही है तो हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक चाहिए तो मैं इसके अंदर अभी 1/2 कप ऑयल और ऐड करूँगी जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर थिक हो जाएगा ये हमारी मायनीज़। इसको मैं दिखाती हूँ आपको चम्मच से, ये देखें अभी इस फॉर्म में है, अभी इसके अंदर 1/2 कप ऑयल और जाएगा तो ये बहुत अच्छी थिक फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी। अब जो 1/2 कप ऑयल में है और मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि फुली हमारे पास जो है रेडी फॉर्म में आ जाए। मैंने डाला है ऑयल तो ये देखिए और ज़्यादा थिक होना शुरू हो गई है। आप जब ये इसके अंदर मूव कर रही है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। मज़ीद आप जो आपके पास ऑयल रहेगा सारा ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालते जाएं और एंड पे आप चेक कीजिएगा ये बिल्कुल जो है हमारे पास थिक फॉर्म में मायनीज़ जो है वो आ चुकी है। ये देखें घूम रही है, इसके अंदर मूव कर रही है तो ये अच्छी खासी आपको थिक महसूस हो रही है।
मूव होने में भी उसको दिक्कत है कि ये सही तरह से मूव भी नहीं कर पाएगी। तो ऑयल बाकी भी रह गया, मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी और आपको फुली एंड फॉर्म में दिखाऊंगी ये इसकी किस तरह से आपके सामने ये आ रही है। ये देखें, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएं एंड तक, और आपके पास जो है मायनीज जो है वो आपकी बिल्कुल फुली रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर इसको मैंने चिकन स्प्रेड किस तरह से बनाना है। मायनीज हमारी तकरीबन रेडी है, देखें सिर्फ तीन चार इंग्रेडिएंट्स से ये मायनीज घर में बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और जो है बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हैं, बच्चों को दें, सैंडविचेस में लगा दें, जिंगर बर्गर बना रही हैं, किसी भी किस्म की चीज़ में ये मायनीज जो है, देखिए इस फॉर्म में हमारे पास ये अब आ चुकी है, फुली थिक हो चुकी है। मायनीज हमारी जो है स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको बनाऊंगी चिकन स्प्रेड। चिकन स्प्रेड के लिए मैंने जो हमारा चिकन था 3 से 4 पीसेस चिकन स्प्रेड के लिए वो मैंने बॉयल कर लिए थे पहले से। अब मैं उनको चॉप कर लूँगी और इनके बिल्कुल रेशे बना लूँगी ताकि ये इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने इनको बिल्कुल चॉप कर लिया था। अब मैं जो मायनीज है उसके अंदर इसको डाल दूँगी, चिकन को, चिकन इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको ब्लेंडर में डाल के और अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करना है इसके अंदर, ताकि ये फुल जो है इसके चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके मायनीज के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें ये हो चुकी है रेडी। अब आप इसको निकाल लें, जिस तरीके से भी आप इनको इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, फ्रिज में रखना चाहते हैं 1 हफ्ते तक, ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप इसको यूज़ करें, बच्चों को सैंडविचेस में लगा के दें, बाहर से चिकन स्प्रेड या मायनीज लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इस जार में इसको डाल लिया और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बच्चे इसको जिस तरह से मर्जी यूज़ करें, बच्चे बड़े सबकी मन पसंदीदा ये चिकन स्प्रेड हमारे पास रेडी है। आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much. Allah Hafiz.